तो यहां से देख सकते हो पैसा हमारा डबल होने वाला है, बस एक क्लिक करना है गाइज एंड पैसा। सो हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आज हम लोग फिर से खेलने वाले पिक्सल क्राफ्ट। एंड उससे पहले मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अगर आइस वाले में प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आप सन खेलो या फिर फायर खेलो या फिर अर्थ खेलो। तो देखो यार, 20 मार्च को ना मैजिक स्काई ब्लॉक का एक न्यू सीजन आने वाला है जिसमें यार सबकी प्रोग्रेस चली जाएगी। तो मैं सोच रहा हूं 20 मार्च के बाद ही उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यार अभी अपने चैनल पे जो पिक्सल क्राफ्ट की सीरीज है यही चलने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा एंड बिना किसी देरी के अपना व्यू एंगल चेंज करते हैं। एंड भाई ये देखो अपनी फ्रेंड, एंड सामने की तरफ आप लोगों को जो ये फार्म दिख रहा है ना गाइस, ये भाई इतने भुखमरी जैसा क्यों जल रहा है यार? अच्छा, इसकी हंगर बार डाउन हो रहा है तो पहले खाना खा लेते हैं। एंड अभी देखो ये मैंने पूरे पूरे ग्लास लगा दिए एंड यहाँ पे 10 मैंने पोटैटो के मिनियन यूज करे एंड देखो मुझे कितना सारा पोटैटो मिल रहा है भाई साहब। एंड इससे ना पैसे मुझे बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये देखो सेल बैंड है, मैंने सेल करा पूरा का पूरा पोटैटो सेल हो चुका है। एंड अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा स्टैक से मेरे को कितना मिला है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो 15,264 का जो है पूरे पोटैटो हमारे सेल हुए हैं। एंड ये वैंड आप लोगों को कैसे मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसके लिए आप लोगों को जाना है शॉप में एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है बैंड्स वाले ऑप्शन में। एंड यहां पे आप लोग देख सकते हो सारे सेल बैंड। एंड यहां से मैं एक स्मेल्ट बैंड भी बाय कर लेता हूं। तो यहां पे नीचे जाना है स्मेल्ट बैंड पे, यहां पे मैं एक बाय करने वाला हूं। एक यार बहुत होता है क्योंकि ना एक से अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर सकते हैं हम स्मेल्ट बैंड को। अभी मैं इन दोनों का ना फिलहाल संभाल के रख देता हूं बिकॉज बाद में अपन लोग इसका यूज करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे पहले रख देता हूँ। एंड भाई ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। और आज ना मैं एक छोटा सा अपना घर बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ना अपना छोटा सा एक बेस बनाएंगे जिसमें अपन लोग स्टोरेज वगैरह का सामान रख देंगे। वैसे तो यार जरूरी तो है नहीं, फिर भी यार मतलब खेल रहे तो भाई ये तो बनाना जरूरी है ना, तो इसलिए मैं बनाता हूँ। एंड आप लोग थोड़ा ना टाइम स्लैप देखो। तो गाइस अभी मेरे पास कुछ ज्यादा रिसोर्सेस है नहीं, तो यहाँ पे मैं स्टोन ब्रिक्स का यूज करने वाला हूँ। इससे भी लुक यार थोड़ी सही हो जाएगी। एंड देखो अगर आप लोग कभी भी घर बनाते हो ना तो थोड़ा सा इधर उधर अगर आप लोग ब्लॉक लगाओगे ना, मतलब थोड़ा सा हटके, तो वो डब्बे से तो अच्छा ही बनेगा भाई, इतना आप लोग जान लो। एंड मैंने इतने घर बनाए भाई, लिटरली मेरे दिमाग में ना आइडिया खत्म हो चुका है कि मैं किस टाइप का घर बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नॉर्मली यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ। सो गाइस अभी देख सकते हो फाइनली ये कुछ इस तरीके का लग रहा है एंड मुझे तो थोड़ी लुक अच्छी आ रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। एंड यहाँ से मैं कुछ प्लैंक्स बना लेता हूँ जिससे मैं बनाऊंगा स्लैब। एंड स्लैब को ना हम लोग इसके रूफ के ऊपर यूज करने वाले हैं जिससे कि हम लोग चेस्ट वगैरह लगाए तो वो इजिली खुल जाए। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी ना इन सभी को भी ऊपर के साइड पे लगा देता हूँ, थोड़ा ठीक ही लगने वाला है। एंड बाद में डेकोरेशन वगैरह तो अपन लोग कर ही देंगे। बाय द वे यार आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, हैशटैग छोटे DWM भाई जरूर लिखना यार, जिसे मेरे को पता चल जाए कि कौन कौन यार वीडियो को एंड तक देखता है। एंड यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई, रुको एक मिनट। यहाँ इस तरफ वाला आप लोग देखो, इस तरफ वाला ज्यादा निकला हुआ है, उस तरफ वाला पीछे। ओ भाई देखो मैंने गड़बड़ कर दिया, तो मुझे इसको ना ये हटा के थोड़ा आगे लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं जल्दी से हटाता हूँ एंड इसको आगे लगा देता हूँ। एंड हाँ, आज हम लोग एक डायमंड का मिनियन भी क्राफ्ट करने वाले जिससे कि अपन लोगों को डायमंड वगैरह मिलेंगे। और यहाँ पे डायमंड की जो मतलब रेट है ना गाइस, वो थोड़ा कम है। मतलब एक डायमंड 15 रुपये का बिकता है शायद से, मैंने एक बार बेचा था तो मेरे को पता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी हो चुका है एंड अभी थोड़ा सही लग रहा है यार। एंड ये अंदर का भी मैं थोड़ा फिल कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पे एक ब्लॉक एंड ये डन हो चुका है। एंड सामने तरफ जो ये दोनों है ना, इन दोनों को भी स्टोन ब्रिक से ही फिल कर देते हैं एंड थोड़ा बहुत मैं ये बना दूंगा ना इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे स्लैब लगाना है एंड देन एक यहाँ पे और एक, भाई खत्म हो गया,
अच्छा रुको, इतना सारा मेरे पास ऑलरेडी है, तो एक मुझे यहाँ पे लगाना है। अभी देखो थोड़ा सा ही लग रहा है, एंड थोड़े बहुत कार्विंग और मुझे करने की जरूरत है। तो काम करता हूँ मैं यहाँ से एक ब्लॉक ऐसे करके ना इस तरफ से चारों तरफ की ओर लगा देता हूँ, इससे थोड़ा तो सही लगेगा। फिलहाल अभी उतना अच्छा लग नहीं रहा, बट हाँ मैं इसको कर दूंगा। वैसे भी स्टोरेज रूम के तौर पर यूज करने वाले, बाकी तो यार हम लोग सारी चीजें तो यहाँ पे रखने वाले हैं नहीं, मतलब ऐसे एक घर जैसा। अभी देखो अभी ठीक लग रहा है। हाँ गाइस, तो अभी देखो डन हो चुका है एंड ये सही लग रहा है, एंड आप लोग अंदर से भी देख लो तो अंदर से भी मेरे को काफी ज्यादा सही लग रहा है। तो बस ये तो सही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक डायमंड का मिनियन बना ले, और डायमंड मैं माइन करने वाला हूँ नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो पैसे थे ना बहुत सारे पैसे थे, मतलब 6 लाख से ऊपर थे, तो पहले मैं उसको विड्रॉ करवा लेता हूँ। बिकॉज देखो वो पैसे मेरे पास आए कैसे, तो मुझे एक मनी ट्रिक पता चली है जिससे ना आप लोग अपने आइलैंड पे ही बैठे बैठे ना गाइस लाखों मिलियंस कमा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ना डिपॉजिट नहीं विड्रॉ कर लेता हूँ, एंड यहाँ जाना है बाजार में। एंड बाजार में क्या है ना कि यहाँ पे जो डायमंड के ब्लॉक है एंड एवरीथिंग जो मिनरल्स वगैरह है वो सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लेना है 64, तो इसको मुझे ऐसे रखना है अपनी इन्वेंटरी में, एंड ये हमें मिल जाएगा। तो कितना हो गया, तो एक बार चेक कर लेते हैं, भाई दिखाई नहीं दे रहा। तो हाँ 40 हो चुके हैं, एंड अभी मैं जल्दी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 64 हो चुके हैं डन। तो यार इतने में तो अपना काम आराम से हो जाएगा, एक डायमंड का मिनियन तो बन ही जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को पिकेक्स चाहिए होगा, जिसके लिए मुझे कोबल स्टोन चाहिए होगी, जो कि स्टोन की पिकेक्स। तो इस बंदे से ले लेते हैं हम। तो भाई इसने कितना काम करा है, तो भाई काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, मुझे तो लग रहा है इनको अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ अगर हम लोग अपग्रेड कर देंगे यार, तो ये काफी ज्यादा फास्ट भी वर्क करेगा। तो पहले मैं यहाँ से स्टिक बना लेता हूँ, एंड इसे बनाना है मुझे एक पिकेक्स। एंड अभी देखो मैं बनाने वाला हूँ, तो उससे पहले यार मैंने देखो डायमंड को तो बदला नहीं, डायमंड ब्लॉक ही है, तो डायमंड में मुझे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डायमंड में कन्वर्ट कर लिए, एंड इधर से चलते हैं अपने कस्टम क्राफ्टिंग टेबल पे। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 7 स्टैक से ना आप लोग कैसे एक मिनियन क्राफ्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 7 स्टैक मैंने रखे, एंड बीच में पिकेक्स रखना है, एंड इसको ना हटाना है थोड़ा सा, एंड दोबारा रखना है। यहाँ पे देख सकते हो 7 स्टैक से जो हमारा एक मिनियन है वो कन्वर्ट बन चुका है, एंड ये हर चीज में वर्क करता है सारे मिनियंस पे। तो मैं इसको अभी यहाँ पे लगा देता हूँ, तो सही है ये यहाँ पे लगा देते हैं। एंड भाई ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, आई थिंक सो ना मुझे इसको एक ब्लॉक ऊपर लगाना चाहिए था, जो कि मैंने गलती कर दी है। एंड देखो मैं इसकी इन्वेंटरी खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि हाई पिक्सल में होता है ना, सारे सारे फंक्शन कंपैक्टर वगैरह सारी चीजें इसके अंदर भी है। तो सबसे पहले मैं अपने बैंक में सारे पैसे डिपॉजिट करवा देता हूँ, जिससे कि यार मैं इसको हटाऊं तो मेरे पैसे ना कटे, क्योंकि मेरे को जितना पता है मैजिक स्काई ब्लॉक में तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसे है ना, अगर आप मिनियन को हटाओ तो आपके पैसे कट जाते हैं। तो यहाँ से मैं बेडरॉक पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मैंने मिनियन को उठा लिया है, एंड यहाँ पे मैं स्टोन ब्रिक्स प्लेस कर देता हूँ, एंड उसके ऊपर मिनियन को लगा देता हूँ। एंड गाइस अभी जो है अपना मिनियन गाइस वर्क करने वाला है, एंड देख सकते हो भाई ये उस तरफ देख भी रहा है, जो कि डायमंड को स्पॉन करा है इसने, देख सकते हो। एंड ये गाइस वर्क कर रहा है, तो आप लोग को भी एक ब्लॉक ऊपर लगाना है। सो गाइस आज के लिए इतनी प्रोग्रेस काफी है, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मनी ट्रिक कि आप लोग कैसे यहाँ पे मिलियन कमा सकते हो। सो गाइस जैसे वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए गेम के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।